बाद में हनुमान जी पहुंचे विभीषण के घर रात में, तो विभीषण को नींद आती नहीं थी रात में। जब से वो सीता को उठा के लाया रावण, तब से विभीषण सोते नहीं थे, रोते रहते थे और अपने दुर्भाग्य के लिए रोते थे कि मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसे दुष्ट भाई का मुझे छोटा भाई बनना पड़ा है और मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा बल इतना नहीं है। तो जब वो ऐसा रोते तो उनके पास कुछ काम नहीं है, क्या करें। तो फिर वो अपने घर की दीवारों के ऊपर राम जी का नाम लिखते रहते, राम का नाम लेखन करते रहते। हनुमान जी ने देखा कि भाई ये लंका में राम का नाम लिखने वाला पंडित कौन है। हनुमान जी को अब भरोसा नहीं है किसी का लंका में, क्योंकि हनुमान जी के साथ दो हाथ से रस्ते में हो गए। एक सरसा नाम की राक्षसी आ गई हनुमान जी को पकड़ने और एक कालनेमी आदमी आ गया भगत बन के राम जी का झूठा नाटक करने के लिए। तो सरसा और कालनेमी जैसे लोगों की संख्या ज्यादा है भक्ति के मामले में, अंदर से राक्षस और बाहर से भगत, ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं दुनिया में। भक्ताई करेंगे, मंदिर मानेंगे, राम को मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे, देवी को मानेंगे, पर अंदर से रहन सहन व्यवहार खान पान सभी राक्षसी भोजन तामसी भोजन करते हैं। तो कालनेमी की दुर्गति हनुमान जी ने कर दी और वो मायावी राक्षसिनी जो सुंदरी बन के ठग रही थी हनुमान के ब्रह्मचर्य को, हनुमान जी ने उसको भी पानी में डुबो दिया सागर में। तो हनुमान जी को भरोसा नहीं, उनको लगा कि कोई मायावी है, ये राक्षस है और ये तो अंदर है, वो तो बाहर रास्ते पे थे, ये तो अंदर है घर में, तो ये जरूर कोई ड्रामा हो रहा है मुझे फंसाने के लिए। हनुमान जी को लगा कि मेरी शक्ति के आगे फिर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, पर एक बार फिर भी डाउट जो है उसे क्लियर अच्छी तरह करना है। तो हनुमान जी ने पूछा, भैया आप कौन हैं? तो रोकर बोला, इस संसार का सबसे दुर्भाग्य प्राणी हूं मैं और मैं इस बात से परेशान हूं कि मैं दुष्ट रावण का भाई हूं जो माता समान राम की पत्नी को उठा लाया है, उसका नाश कब होगा और वो मानता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं, पर महात्मा के रूप में आप कौन हैं? विभीषण ने जब पूछा तो हनुमान जी ने अंतर्हृदय से जान लिया कि ये पवित्र व्यक्ति है विभीषण। राम जी के प्रति, सीता जी के प्रति इसका भाव बिल्कुल उत्तम और पवित्र है, कोई ढोंग नहीं इसमें। तो राम जी ने हनुमान जी को भेजा है तो हनुमान जी ने भी बता दिया सब कुछ। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर तुम इतने सच्चे भक्त हो राम के तो सीता बताओ कहां है। तो विभीषण ने फिर हनुमान जी को पता बता दिया, श्री सीता रावण जो सोता है उसके दक्षिण भाग में अशोक वन है, उस वन में छुपा रखा है। हनुमान जी वहां पहुंच गए और माता सीता का दर्शन हुआ।